चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे आपके पास दो फंक्शन है कि पार्ट 2x और साइन x है, तो जब भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट होता है आपके पास आपके पास एक ही रास्ता होता है बाई पार्ट लगाने के लिए, ठीक है। तो हम लोग चलिए बाई पार्ट लगाते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप किसको फर्स्ट फंक्शन लोगे किसको सेकेंड फंक्शन लोगे, उसके लिए आपके पास क्या होता है आईलेट होता है, आईलेट है ना आपका, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो आखिरी में आता है, मतलब ये हमेशा ही सेकेंड बना रहेगा। तो जाहिर सी बात है ट्रिग्नोमेट्रिकल पहले सीक्वेंस में आता है तो ये फर्स्ट फंक्शन होगा। फिर फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पे, क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला, इसका हो जाता है फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 2x dx और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, मतलब कितना हो जाएगा साइन एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डी एक्स, सेकेंड का मतलब हो गया ई की पावर 2x dx और एक और dx जो इस इंटीग्रल के लिए है, ठीक है। तो दैट इज़ योर बाई पार्ट का फॉर्मूला हो गया, यू बी के टर्म में या फर्स्ट सेकेंड के टर्म में, जैसे भी आपको याद हो, याद होना चाहिए। खैर यहाँ पे वैल्यू प्लेस करते हैं, साइन एक्स और ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई की पावर 2x अपॉन 2 हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है कॉस एक्स, इसका हो जाएगा ई की पावर 2x अपॉन 2 लिखेंगे, वो 2 हम बाहर लिख दे रहे हैं डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन, इसे इक्वेशन नंबर हम मान लीजिए 1 नाम दे देते हैं और ये इंटीग्रल फिर से सॉल्व करना हो गया। तो बाई पार्ट में जब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप करते हो तो कई बार ऐसा होता है कि आपको दो बार बाई पार्ट लगाना होता है सेम क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये आई वन हम फर्दर सॉल्व करते हैं, से ये आई है, इसे आई एज्यूम कर लेते हैं। तो आई वन दैट इज इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स और ई की पावर 2x dx, यहाँ बाई पार्ट फिर लगाइए, ट्रिग्नोमेट्रिकल सेकेंड फंक्शन हो जाएगा और ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन फर्स्ट हो जाएगा और ये आपका सेकेंड हो जाएगा। फिर से बाई पार्ट हम लोग प्लेस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट दैट मीन्स कॉस एक्स इंटीग्रल ऑफ ई की पावर 2x dx एंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स एंड इंटीग्रल ऑफ ई की पावर 2x dx एंड देन वन मोर डी एक्स, ठीक है। क्या हो जाएगा ये कॉस एक्स और ई की पावर 2x अपॉन 2 माइनस, ये माइनस साइन आएगा तो साइन एक्स तो अंदर लिखते हैं माइनस बाहर ले आते हैं प्लस हो जाएगा ये, और ई की पावर 2x का ई की पावर 2x अपॉन 2 आएगा तो अपॉन 2 हम बाहर लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसको ऑब्जर्व करिए, ये चीज़ क्या है, ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन मतलब इंटीग्रल आई है, तो यहाँ पे आई लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका दैट कुड बी रिटेन एज ए कॉस एक्स 1/2 कॉस एक्स ई की पावर 2x और प्लस हाफ आई हो जाएगा, से इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब आई वन की वैल्यू हम लोग रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो चलिए देखते हैं आंसर क्या आता है। ये आपका क्या हो गया आई वन की वैल्यू, यहाँ प्लेस करते हैं हाफ e की पावर 2x cos ऑफ x हो गया एंड प्लस हाफ आई वन आई हो गया, ठीक है। अब ये 1/2 मल्टीप्लाई होगा, है ना, इससे पहले हम ये सारे इरेज करते हैं, स्पेस हम लोग खाली कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास दैट कुड बी रिटेन एज 1/2 e की पावर 2x sin x माइनस, ये माइनस 1/4 हो जाएगा ई की पावर 2x cos x और फिर यहाँ भी माइनस 1/4 हो जाएगा और i हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस 1/4 i उधर जाएगा जो i पहले से पड़ा हुआ है ना, तो जब आप ये उस साइड में ले आओगे तो यहाँ से हम इधर ले आते हैं प्लस 1/4 i, यहाँ एलसीएम आप ले लोगे तो क्या आ जाएगा 5/4 i आएगा, तो दैट कुड बी रिटन एज ए 5/4 i, तो i हमें निकालना है, i क्या हो जाएगा 4/5 टाइम्स जो भी पड़ा है आपके पास, क्या है यहाँ भी एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम यहाँ पे भी 4 आ जाएगा आपका, है ना, ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 2 e की पावर 2x और साइन x हो जाएगा माइनस e की पावर 2x और cos x हो गया प्लस इनडेफिनिट कॉन्स्टेंट सी, ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा
फाइनली आपका क्या आ जाएगा, ये 4 हटा देते हैं है ना, और यहाँ से 4 हटा देते हैं, ठीक, ये 1/5 हो गया, तो आपका आ गया 1/5 जो भी आपके सामने दिख रहा है दैट इज़ योर। अच्छा एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे e की पावर x कॉमन कर सकते हैं, तो चलिए एक स्टेप लिख ही देते हैं, तो e की पावर 2x कॉमन कर लिया और अंदर बच गया आपका 2 sin x और माइनस cos x, और ये जो 5 बचा था इसको हम इसका डिनोमिनेटर लिख देते हैं अपॉन 5 + c, दैट इज़ योर फाइनल आंसर।